हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अनदर रेसिपी ऑफ राजमा चावल। और ये मुझे खाना बहुत पसंद है, तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि ये बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पर पहले आपने जो पेस्ट देखा, वो बनाने के लिए मुझे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और टर्मरिक पाउडर पानी के साथ मिक्स करना पड़ा। पहले हम लोग चावल बना लेंगे, वो इजी भी है। और मुझे ना पर्सनली ये चावल जब सूखा ही खाना बहुत पसंद है। अगर कुछ भी ना हो साइड डिश तो भी चलेगा, ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। ये बहुत हद तक जीरा राइस की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें से जीरा का जो स्मेल है वो बहुत अच्छा आता है। तो आपने पहले देखा कि मैंने वाइट ऑयल के साथ घी डाला है। ये मैंने राजमा बनाते वक्त भी किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे खाने में घी का जो स्वाद होता है वो बहुत ही बेहतरीन लगता है, अच्छा होता है। और मैंने जैसे मेरे लास्ट टू लास्ट वीडियो में कहा था कि इट्स गुड फैट सो इट्स गुड फॉर हेल्थ, अगर आप घर में बनाया हुआ घी के साथ ये बना सके, या रेगुलर आपका जो फूड है उसमें आप घर का बनाया हुआ घी डाल सके, वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास उतना वक्त नहीं है या आप वो नहीं बना सकते, तो मार्केट वाला अच्छा घी भी डाल सकते हो, तो उससे स्वाद तो बढ़िया आता ही है एंड इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। सो जैसे कि मैं वो पेस्ट के बारे में बता रही थी, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, अच्छे से भून लिया इसको। ये मसाला भूनना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फूड आइटम दैट यू मेक। वो मसाला जो खोला था मैंने, उसका ही थोड़ा उसमें ही उस कटोरी में ही मैंने थोड़ा पानी मिला के वही पानी में इधर डाल दूंगी कुछ देर बाद। जब तेल हमको दिखने लगे कढ़ाई के साइड पे, तो तब हम वो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। तो मैंने राजमा मिला दिया, अब देखिए वो पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और खुशबू जो आ रही थी इसमें से, मैं कैसे समझाऊँ आप सबको, काश यहाँ पे हम खुशबू भी ऐड कर सकते, ये बढ़िया लगता है खाने में। मैंने थोड़ा थोड़ा करके धनिया का पत्ता भी डाला है, क्योंकि धनिए के पत्ते से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है खाने में। और थोड़ा ज़्यादा पानी मिला के मैंने होने दिया है और छौंक लगा लिया है। छौंक के लिए मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा घी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी। चलिए बन गया हमारा राजमा चावल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।